ओ, तो ये बात है। तुम्हारा चेहरा देखकर और साई की बात सुनकर मैं तो डर ही गया था। केशव, ये भी कोई बात है? तुम्हें कोई जरूरी काम से बाहर जाना है और मैं बुरा मान जाऊंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ और जब तक तुम वापस नहीं आते कारोबार मैं संभाल लूंगा। कल को मुझे भी काम पड़ सकता है, मुझे भी जाना पड़ेगा ना। हाँ तात्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो क्या सोचा था तुमने? याद है जब मैं खेतों में काम करने जाता था और तुम मेरी मदद करने आते थे, तब तो मैंने नहीं कहा कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। जब तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता? मैं बिना बात के चिंता कर रहा था तात्या। मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसे कहूंगा। कई बार यही सोचने में बहुत सा समय बर्बाद कर देते हैं कि जो बात कहनी है उसे कैसे कहें, क्या कहें और क्या ना कहें, जबकि सबसे सरल और अच्छा तरीका यह होता है कि जो भी बात हो उसे अच्छे से, प्रेम भाव से, सरल भाव से सच सच रख दो। अगर तुम्हारी मंशा सही होगी तो बात सही तरीके से दूसरे व्यक्ति तक जरूर पहुंच जाएगी और ये पारदर्शिता हर संबंध में होनी चाहिए। व्यापार में साझेदारी भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे जो भी फैसला लेना हो हमेशा एक दूसरे के सामने बैठकर लेना। कोई भी बात मन में मत सोच लेना, कोई भी धारणा खुद ही मत बना लेना, बल्कि जो भी बात हो वो अपने साझेदार से खुलकर कहना। इसलिए भविष्य में चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, उसे हमेशा बातचीत से सुलझाना। जरूर साई, जैसा आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे। जब जीवन में दुख का नियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम ध्यान से जाइएगा। इतने सालों से जा रहा हूँ फिर भी कितनी फिक्र करती हैं आप मेरी। अरे सालों और फिक्र में क्या रिश्ता है? हाँ फिक्र तो फिक्र होती है, और जब आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो मुझे तो रखना पड़ेगा ना। सुनो तात्या, एक ग्राहक से मिलने में शिरडी के बाहर जा रहा हूँ, तो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक खेतों का ध्यान रखना। जी चलता हूं मैं। अब तो तुम्हें भी जाने की जल्दी होगी है ना? रुको तुम्हारे लिए खाना बांध कर लाती हूँ। हाँ आई, मुझे सब्जियां भी पहुंचानी है, फिर खेत में भी जाना है। ये ताते जी कहाँ रहते? जी मैं ही तात्या हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गिरधारी है। मुझे छोटे सरकार यानी कि केशव जी ने आपके पास भेजा है नगर में सब्जियां पहुंचाने के लिए। उन्हें आने में अभी एक दो दिन और लगेंगे, तो उन्होंने मुझे ये काम सौंपा है ताकि आपको तकलीफ ना हो। केशव ने भेजा है आपको, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। जी कैसे बताते, मुझे जाने से थोड़ी देर पहले ही बोल के गए थे। अब से सब्जियां ले जाने और छोड़ने का काम मैं ही करूंगा। जाते जाते ये अच्छा काम कर गया केशव। इन्हें जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। जरूर जी, चलता हूं।
आपका काम हो गया। सुनो, नगर में जाके खानपान विभाग के प्रबंधक से मिलो और उसे कहना कि तात्या ने तुम्हें भेजा है, ये कहने के लिए कि वो आप उसके साथ काम नहीं करने वाला। और हाँ, ये बात तात्या को मालूम नहीं होनी चाहिए जी। तुम रोज तात्या के पास जाओगे और सब्जियां लेते रहोगे जी। धन्यवाद। संता जी, संता जी। हरिओम हरिओम, शाबाश, सब मेरे योजना अनुसार हो रहा है। तो मित्रों के बीच, मनमुटाव के बीच बोने होंगे मुझे। केशव को उसके मामा ने वहां रुकने के लिए विवश कर दिया है, यही तो मैं चाहता था। सरकार, सरकारी मोहर, प्रति कुलकर्णी मुखिया शिरडी अंग्रेज सरकार आपको सूचित करना चाहती है कि अंग्रेज सरकार ने प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त किया है जो उनका नुमाइंदा होगा। उनका नाम गोकुल दास है और वो निरीक्षण के लिए एक बार शिरडी आना चाहते हैं। ये तो शुभ समाचार है। यदि मैंने उस अधिकारी के दृष्टि में अपना महत्व सिद्ध कर दिया, उसको अपना शुभचिंतक बना लिया, तो भविष्य में आने वाली कई बाधाएं दूर हो सकती है। क्या नाम था उसका? गोकुल दास। शिवरात्रि के दिन आ रहा है, मुझे शिरडी में कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये अधिकारी प्रभावित हो सके। हरिओम। सुनो सुनो सुनो, सब लोग गौर से सुनो। क्या घोषणा हो रही है? ये तो पता नहीं, लेकिन ये दोनों मनुष्य कभी किसी के लिए अच्छी खबर लाए? शिरडी में निरीक्षण करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी दौरे पे आ रहा है, इसलिए सरकार ने शिरडी में सफाई अभियान चलाने का फैसला लिया है। सभी घरों के सभी सदस्यों को इसमें भाग लेना आवश्यक है। अगर किसी ने भी आनाकानी की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान की शुरुआत कल सुबह से होगी, इसलिए सब लोग अपना काम छोड़कर इसी समय चावड़ी में उपस्थित हो जाना। चलिए पंता जी। चलिए। मतलब हम लोग कल काम पर नहीं जाएंगे? क्या सरकार को नहीं पता कि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर एक भी दिन काम पर ना जाएं तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा? सरकार का ये फरमान केवल हम गांव वालों के लिए है, क्योंकि ना तो वो खुद और ना ही उनके ये नौकर चाकर कुछ करने वाले हैं। और नहीं तो क्या, गांव में इससे पहले साही को छोड़कर कभी भी किसी ने सफाई पे ध्यान दिया है? एक वही तो है जो गांव के रास्तों की, सार्वजनिक जगहों की सफाई करते आए, वो भी अकेले। कुलकर्णी सरकार ने जरूर अंग्रेज सरकार के उस अधिकारी को खुश करने के लिए ये नया नाटक किया है। पति कर दिया आपने, अब ना मुझे कुछ सुनना है ना आपके साथ रहना है। मायके जा रही हूँ मैं मेरे बेटे को लेके। कहाँ ना गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ ना, एक आखिरी बार माफ कर दो। वादा करता हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, मत जाओ मुझे छोड़कर। ये तो आपका हमेशा का राग है, लेकिन इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। चलो बेटा। अरे रुक जाओ, माफी मांग रहा हूँ मैं, आखिरी बार माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ मुझे छोड़कर। क्या बात है साईं? ये मेरी घरवाली घर छोड़कर जा रही,
और मेरे बेटे को भी साथ ले जा रही है। अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। इनके स्वभाव और गुस्से के आगे तो मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। इनको इतना गुस्सा आता है कि इनको खुद को भी होश नहीं रहता, ये गुस्से में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कभी गुस्से में ये घर के बर्तन तोड़ देते हैं तो कभी खाना फेंक देते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो इन्होंने मेरा चूल्हा ही तोड़ दिया। बेवजह मेरे बच्चे को मारने लगते हैं, जबकि मेरा बेटा इतना शैतान भी नहीं है। घर तो घर, बाहर भी इनका यही हाल है। पड़ोसियों से झगड़ा करने लगते हैं। इनका स्वभाव ऐसा हो गया है कि इनके भाई, यहां तक कि आई बाबा ने भी घर पे आना बंद कर दिया है। मेरे मायके वालों को भी ये बेइज्जत करते हैं। पर मैं तो तुम्हें हमेशा। ये आपका हर बात का राग है, लेकिन इस बार मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली। साई, मैं मेरी गलती कबूल करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ मैं जानबूझकर करता हूं। पेशे से बढ़ई हूं, कभी मेरे पास काम होता है तो मैं ठीक रहता हूं, लेकिन जब मेरे पास काम नहीं होता मुझे चिढ़ होती है, जुलजुलाहट होती है। मैं अपने चिड़चिड़े स्वभाव से खुद परेशान हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसे छुटकारा पाऊं तो कैसे पाऊं। अगर मैं आपके पति की उनका गुस्सा करने की आदत से छुटकारा पाने में मदद करूं तो क्या आप रुकेंगी? जरूर साई। यहां आओ। जी साई। एक तख्ते का टुकड़ा, कुछ कीले और हथौड़ा लेकर वहां बैठ जाओ। लेकिन उससे मेरा गुस्सा कैसे? नहीं नहीं, आप जैसा कहोगे मैं करूंगा। अब तुम्हें याद करना है कि जीवन में कब कब तुम बहुत गुस्सा हुए और तुमने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, और ऐसी हर घटना के लिए तुम्हें इस तख्ते पर एक कील ठोकनी है। आप नहीं समझोगे बाबा, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी पड़ी है। सबसे पहले बाबा पे गुस्सा किया था, आई आपकी समाज सेवा करने के लिए मैं इतनी मेहनत से पैसे नहीं कमाता हूं। एक दिन पैसों के लिए मैंने अपने आई से भी झगड़ा किया था।
सारी घटनाएं याद कर ली? साई, ये तो शुरुआत है। लकड़ी के ऐसे कई तख्तों की जरूरत लगेगी इनको। कल जब मेरा एक सौदा टूटा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मार दी। हो गया साईं। अब सारी कीलों को अपने हाथ से खींचकर बाहर निकालो। ये क्या मजाक है साई? अगर आपको सारी कीलों को निकलवाना ही था तो आपने मुझे लकड़ी में ठोकने के लिए क्यों कहा? मैं ठोकता ही नहीं ना। गुस्से से छुटकारा पाना चाहते हो या अपने परिवार से? मुझ पे भी गुस्सा किया ना, तो अब एक कील और ठोको और फिर इन सबको अपने हाथ से निकालो। जी साई। आज से किल निकलवा रहे हैं, क्या मतलब है इसका मेरे गुस्से से? आज सुबह सुबह पानी भर के फुर्सत पा लेंगे, अब मैं गांव की साफ सफाई में हिस्सा लेने जा सकती हूँ। परी, ये सब तुमने किया है? हाय, आप कह के गई थी ना कि समय की बर्बादी मत करना, इसलिए मैंने समय का उपयोग किया। थोड़ी देर बाद मैं कपड़े धो दूंगी और घर की सफाई भी कर दूंगी। जैसा मैं चाहती थी वैसे ही बन गई है मेरी बेटी। अब तो दादा के लौटने का बेसब्री से इंतजार है मुझे। ये क्या तरकीब है गुस्सा भगाने की? मुझे तो और गुस्सा आ रहा है। कम से कम एक तो निकला।
मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ और हाँ साई कब से यहां पे उनके लिए भी कुछ खाने पीने के लिए आओ। आज तो मैं सारी किले साई के सामने निकाल कर ही रहूंगा। बहुत दिनों के बाद आज तुम खुश लग रहे हो परी। हाँ कल मैं साई के साथ थी ना, उन्होंने मुझे बताया कि आई को नाराज किए बिना उनकी बात मानकर भी मैं कैसे और कहाँ चित्र बना सकती हूँ। सूर्य ढलने के बाद मैं घर से बाहर जा सकती हूँ, मुझे तो बस सूर्यास्त का इंतजार है। परी एक बात पूछूं, तुम चित्र कैसे बना लेती हो? हल्दी कुमकुम के दिन मैंने देखा था, ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था। तुझे अच्छा लगा था? हाँ बताओ ना कैसे बनाती हो? अपने मन से। क्या मन से? कैसे? मुझे कढ़ाई करनी आती है, लेकिन क्या बनाना है वो मुझे आयर बाबा बताते हैं। परी खाली आज तुमने बहुत मेहनत की है ना, थक गई होगी, इसे खाकर थोड़ा आराम कर लो। तुम भी लो तारा। यहाँ बैठे बैठे क्या उखाड़ रहा है? क्या तुझे नहीं पता सफाई अभियान में काम करना है? मुझे थोड़ी देर लगेगी। पहले मैं ये काम कर लूं। तू क्या लाड साहब है जो बाद में आएगा? हाँ बोला ना अभी चल। अरे छोड़ चल। तू क्या लाड साहब है जो बाद में आएगा? हाँ बोला ना अभी चल। अरे छोड़ चल। जीवन में हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर नियंत्रित कर सकते हैं तो वो है केवल आपकी प्रतिक्रिया। कोई आपसे क्या कहता है क्या करता है ये उसकी इच्छा है, पर उसके बदले आप क्या करते हैं ये आपका फैसला। ए! चलता है कि नहीं? जी चलिए। और तुम भी चलो, और तुम अपने बच्चे को भी साथ में ले लेना। रे फकीर तू तो इस गांव का सबसे बड़ा फुकरचंद है फुकरचंद। चल जरा काम कर चल। जी जरूर चलो, चलो। बाकी की कीलें सफाई अभियान के बाद आकर निकाल लेना। जी साईं। वैसे मैं खुश हूं कि तुमने अपने गुस्से को नियंत्रित किया। साईं, ये जो किले निकालने के काम से छुट्टी जो मिली है ना उससे उंगलियों को आराम मिल जाएगा। वैसे किले निकालना किले ठोकने से बहुत मुश्किल काम है। चलो
चलो चलो। अरे चलो जल्दी जल्दी चलो। ए घर में क्या बैठा है हा? हा? चल निकल बाहर। कल बताया था ना सबको शिरडी में साफ सफाई करनी है। चलो चलो स्वच्छ शिरडी सुंदर शिरडी अभियान शुरू हो चुका है। शिरडी के हर एक निवासी को इसमें अपना अपना योगदान देना है। चलो चल। चल जल्दी कर आ चला। ए जल्दी जल्दी आ चला। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कहा था ना सफाई करनी है। कोई मजदूरी नहीं करेगा। चलो सफाई करो और तू भी नीचे उतर। चलो चलो दरवाजा खोलो खोलो वरना तोड़ के बाहर निकालेंगे। बूढ़े बच्चे औरत मर्द सब निकलो घर से। हाँ अंता जी हम आ रहे थे। चलो जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो 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 चल चलो जल्दी जल्दी चल। और तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? तुम भी चलो। हाँ हाँ मुझे याद है मैं सफाई करने ही आ रही थी। अकेले ही आत्माराम कहाँ है? वो बम्बई गए काम से। सरकार के हुकुम से पहले ही चले गए थे। सफाई बातों से नहीं हाथों से करनी है। चुपचाप चलो और साथ में इसको भी लेकर चलो। किसी को भी छूट नहीं है। चलो तारा। इन्होंने परी को नहीं देखा। अगर उसके बारे में इन्हें ना बताऊं तो अच्छा रहेगा। परी के लिए धूप में सफाई करेगी तो रंग कैसे साफ होगा उसका। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी पैर चला। खंडू ओ खंडू। हाँ अरे चलो जल्दी। हाँ चलो आज गांव की साफ सफाई करनी है पता है ना। हाँ 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 चलो चलो चलते। शाबाश देखा अंता जी ऐसे भी लोग हैं जो चाहते कि शिरडी की सफाई हो। खुद निकल के आ रहे। चलो चलो चावड़ी की ओर बढ़ते रहो और जल्दी जल्दी चलो। हाँ चलो चलो जल्दी जाओ चलो अंता जी। जल्दी जल्दी करो चलो। अरे उठा जिपरी जल्दी। पैर नहीं चलते तुम लोगों के तो कम से कम हाथ तो चला सकते हो। चलो जल्दी करो। ये क्या बदतमीजी है? कोई बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करता है? शुक्र मनाओ कि आज केशव यहाँ नहीं है वरना उसे देख के बहुत दुख होता कि उसके पिताजी ऐसे बुजुर्ग से काम करा रहे हैं। जुल्म ढा रहे हैं उन पे। अच्छा चल अपना काम कर। चल काम कर। तात्या सही कह रहा है साईं। इन्होंने तो आई को भी नहीं बख्शा विवश कर दिया उन्हें यहाँ आने के लिए। इस उम्र में इतनी मेहनत करवा रहे हैं उनसे।
भाईसमा, इस बार तरीका भले ही गलत हो कुलकर्णी सरकार का, मगर अच्छी मुहिम चलाई है उन्होंने। शिरडी साफ सुथरी होगी तो बीमारियां कम होगी। साथ ही मिलजुल कर काम करने से हर व्यक्ति में समुदाय की भावना बढ़ेगी। और हम ये क्यों सोच रहे हैं कि ये काम हमसे जोर जबरदस्ती से कराया जा रहा है? हमें तो खुश होना चाहिए कि हम सबको एक साथ मिलकर एक अच्छा काम करने का मौका मिला है। अपनी स्वेच्छा से अपने गांव की साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए हमें। आइए मालसपति जी। पंता जी, वो फकीर सरकार की योजना और हमारी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। अगर सरकार को पता चला तो हमारी खैर नहीं, इसे रोकना पड़ेगा। हाँ अंता जी, उसे सीधा करो, मैं हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। ए फकीर! अपना भाषण बंद कर, तेरे पैंतरे हम जानते हैं। तू सोच रहा होगा कि तू यहाँ पे सबको उपदेश देगा और हम तुझे यहाँ से भगा देंगे। काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। गलत सोच रहा है। अब हम सुनिश्चित करेंगे कि काम तू करेगा। और तुझे शौक है ना साफ सफाई करने का, तो कर। और हाँ, आज सबसे ज्यादा साफ सफाई तू करेगा। मेरा सौभाग्य। अरे तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? काम करो, जल्दी करो, चलो साफ सफाई करो, चलो चलो जल्दी उठाओ। इसमें डालो, इसमें डालो। देख के चल, गिरा दी ना टोकरी। अब जमा कर सब, चलो। अरे रे, सब खराब कर दिया अंता जी। कोई बात नहीं, तुम वापस लेपो। हाँ हाँ लेपो। ये आप दोनों ठीक नहीं कर रहे हैं। साई ने ऐसे अभी अभी लेपा था। कोई बात नहीं दादी, सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए
उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। बहुत धूल है तारा, मुंह ढक लो। ए, तुम यहां बैठे बैठे क्या कर रही हो? मैं यहां बैठने के लिए नहीं बुलाया, चलो काम करो और तुम भी अपना काम करो। अरे गोविंदा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अपने दोस्तों की मदद कर रहा हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है सब? आप दोनों ने कहा है कि शिरडी में हर किसी को सफाई करनी है, और आप दोनों खुद को शिरडी वासी नहीं मानते, इसलिए आप सफाई नहीं कर रहे। लेकिन मैं शिरडी वासी हूँ जैसे ये सब है। क्या तुम इन लोगों के साथ खेलना चाहती हो? लेकिन क्या वो लोग मेरे साथ खेलेंगे? अगर पूछोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? बल्कि तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती? मैं कैसे? आओ तो सही, गोविंदा, उद्धव, निराली, यहाँ आओ। हाँ साई। ये तारा है और ये तुम लोगों से कुछ कहना चाहती है। नहीं नहीं, माफ करना। डरो मत तारा, बेझिझक कहो क्या कहना चाहती हो। बोलो तारा। मुझे लगता है तुम्हें धूल मिट्टी की आदत नहीं है। तुम एक काम करो, धूल मिट्टी से दूर जाके बैठो। मैं अंता बंदा जी से बात कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं यहीं पर सबके साथ रहना चाहती हूँ। तुम लोग जो कर रहे हो वो करो,
मैं तो कहो जो भी कहना सोच कर रही हो। हाँ बोलो तारा। मैंने ऐसे सबके साथ कभी खेला नहीं है, अकेले ही रहती हूँ ना, इसलिए सोच रही थी कि अगर सबके साथ जुड़ सकती तो। अरे सीधे आ जाती, हमें भी सबसे दोस्ती करना बहुत पसंद है। शाबाश तारा, अपने डर अपनी झिझक को कभी खुद पर हावी मत होने देना। अब जाओ, सबका हाथ बटाओ। चलो साफ सफाई तो हो गई, अब अपने घर जा सकते हो। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अंग्रेज अधिकारी के निरीक्षण करने से पहले अगर हमने किसी को भी गंदगी फैलाते हुए देखा तो उसको कुलकर्णी सरकार का दंड भुगतना होगा। चलो हटो, हटो सामने से। साईं, आपने जो काम दिया था उसे करने जा रहा हूं। मैं मवेशियों को चारा खिलाने जा रहा हूं, काम पूरा हो जाए तो आकर मुझसे मिल लेना। जी साईं। कब से बाहर गए हैं ये लोग, जाने से पहले कुछ बताया भी नहीं। शाम होने को आई और मुझे बाहर भी जाना है, आई कहाँ चली गई? ठीक है ना, आई आप लोग कहाँ थे? शिरडी में सफाई अभियान चलाया था आज कुलकर्णी सरकार ने, हम लोग वहीं गए थे। मतलब एक मैं ही रह गई थी। अच्छा हुआ तू घर पर ही थी। देख जरा तारक को, क्या हाल हो गया इसका? ठीक कर बेहाल है ये, एक तो धूल मिट्टी ऊपर से धूप, अगर तू जाती तो और भी काली हो जाती। अच्छा आई उस समय ना सही, अभी मैं जा सकती हूँ क्योंकि अब तो सूरज भी ढल गया है। और घर के काम कौन करेगा? आइए दिखाती हूँ। आई मैंने सारा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, कपड़े को सुखाना और सूखे हुए कपड़ों को तय करके भी रख दिया मैंने। और हाँ रात की खाने की तैयारी भी मैंने कर दी। अरे वाह, तू तो बहुत ही समझदार और जिम्मेदार हो गई, मेरी सयानी बिटिया हो गई है। चल ठीक है, थोड़ी देर खेल ले जा, लेकिन हाँ शैतानी बिल्कुल मत करना। बिल्कुल नहीं आई। साई, साई देखिए मैं आ गई, आज आई ने मुझे घर से बाहर निकलने दिया क्योंकि मैंने घर के सारे काम कर दिए थे। लेकिन मैं घर से थोड़ा जल्दी बाहर निकल पाती तो गांव की सफाई में मैं भी कुछ करती ना। वो तो तू अभी भी कर सकती है परी। वो कैसे साई? सोचो सोचो, शायद कुछ ऐसा हो जिसे करके तुम इस जगह को और भी सुंदर बना सकती हो।
साईं, साईं, जो काम दिया था वो पूरा हो गया? साईं, बहुत सारी किले मैंने निकाल ली, लेकिन कुछ किले ऐसी हैं जो निकल ही नहीं रही। बहुत कोशिश की मैंने। इस तख्ते में किलों के अलावा कुछ और दिख रहा है? छेद जो किले निकालने की वजह से हुए। और आखिर साईं फिर से ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब हो सकता है इसका?